ज्यादा देर चलने वाली प्यार की कौन सी गोली है, ऐसा लोग पूछते रहते हैं। चलो आज बात करते हैं कि आपका स्टेमिना टिकने के लिए, ज्यादा देर तक आप चलने के लिए कौन सा इलाज है, गोली कौन सी है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्टेमिना का लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम है कि भाई इरेक्शन नहीं आता, लिंग में कठोरता नहीं आती है। एंड टाइम पे मैं डर जाता हूँ, लगता है कि मेरा ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा, मैं कर नहीं सकूँगा। ऐसे बहुत सारे लेके हमारे पास में आते हैं लोग। अब सवाल ये आता है कि लोगों को ये भी है कि भाई वीकेंड में लोग फ्री है, बोलते कि नहीं सैटरडे संडे हमको टाइम मिलता है, बाकी दिन तो हमको टाइम मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमको ज़्यादा समय तक करना है, समझो 2-3 बार करना है तो क्या करें। तो ऐसा सबका सॉल्यूशन ये प्यार की गोली में है, जिसका नाम है टाडालाफिल। ये अलग अलग नाम से जानी जाती है, और ये जो गोली है ये 2.5, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम ऐसे मात्रा में आती है। ये 20 मिलीग्राम जो है ये बराबरी करती है 100 मिलीग्राम वायग्रा की, सिर्फ 20 मिलीग्राम। अलग अलग रिसर्च में ये पाया गया है कि 47% लोगों को, 47% लोगों को यदि वो 20 मिलीग्राम टेबलेट लेते हैं तो 20 मिनट में इरेक्शन आता है, लिंग में कठोरता आती है 20 मिनट में। 61% लोगों को 25 मिनट में इरेक्शन आता है, 25 मिनट में यदि 20 मिलीग्राम की टेबलेट लेते तो, और 80% लोगों को 30 मिनट में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप ये गोली लेते हैं पहले, सेक्स करने के पहले, तो इसमें अच्छा सेक्स आपका हो सकता है। ये गोली का ऐसा है कि इसकी हाफ लाइफ है 36 आवर्स, मतलब 36 घंटे तक इसका असर चलता है, 36 घंटे तक। तो स्पेशली जो लोगों को सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, वीकेंड, इसको इसलिए बोलते हैं वीकेंड टैबलेट, मतलब शनिवार रविवार को ये करो भाई, या उनको जिनको एक ही नाइट है उसमें 2-3 राउंड करने का है तो फिर टाडालाफिल ले लो, कि उसका असर बहुत समय तक चलता है। बाकी जो है ना वायग्रा वगैरह 4-6 घंटे में खलास हो जाता है। तो ये गोली काम कैसे करती है देखना पड़ेगा। PDE5 इनहिबिटर करके ये काम करती है, मतलब PDE5 जो एंजाइम्स है अपने बॉडी में, वो एंजाइम को नष्ट करने का काम ये गोली कर, इनहिबिट करने का, नष्ट करने का काम ये करती है। और वो यदि नष्ट हो गए तो नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पेनिस की नस जो है, रक्तवाहिनी, खून की नलियाँ, वो मोटी हो जाती है और खून अंदर घुसता है। फिर सवाल यह आता है कि फिर 80% लोगों को ही फायदा होता है क्या? हाँ जी, बाकी लोगों को क्यों नहीं होता? बाकी लोगों को इसलिए नहीं होता कि यह गोली तब काम करती है जब आप वो स्पेस में हैं। स्पेस में मतलब उसके बारे में सोच रहे हैं, औरत के पास में है, बातें कर रहे हैं, रोमांटिक बातें हैं, आपकी इच्छा भी हो रही है, आपको सेक्स में रुचि भी है, तब ये गोली काम करती है। बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई मुझे डायबिटीज़ है, मुझे बहुत इच्छा होती है, बहुत रुचि है, हम फोरप्ले भी बहुत अच्छा करते हैं, मगर जितना चाहिए उतना कठोर नहीं होता, तो ये गोली काम करेगी। तो ये गोली लेके आप यदि बाहर घूमने चले जाएंगे, 2 घंटे बाद में आएंगे, या गोली लेके टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बाद में सेक्स करेंगे ऐसा बोलेंगे, तो इरेक्शन होगा ही नहीं। गोली का असर होने के लिए दिमाग में, ब्रेन में पहले सेक्स की इच्छाएं, इंटरेस्ट, आवेग, भावनाएं निर्माण होनी जरूरी है, और वो यदि है बेसिक, तो फिर ये गोली काम करेगी। तो 20% लोगों में होता नहीं तो गोली काम नहीं करती। अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि इसमें नुकसान क्या है। तो नुकसान ये है कि ये बहुत स्नायु का दर्द होता है कुछ कुछ लोगों को, मतलब मसल एक्स होता है, हेडेक होता है, एसिडिटी होती है, नींद नहीं आती है, कुछ लोगों का बीपी फॉल हो जाता है। तो ये साइड इफेक्ट्स है। तो मैं हरदम जब प्रिस्क्राइब करता हूँ तो ये साइड इफेक्ट नष्ट करने के लिए पहले से गोली देता हूँ। तो पहले से गोली दिया तो फिर वो जो हमारे पेशेंट है ना, वो जाते हैं उनके GP के पास में, फिजिशियन के पास, बोलते गोली दिया। अरे बोले एसिडिटी की गोली क्यों दिया डॉक्टर ने? अरे क्यों दिया बोले, तो इसका साइड इफेक्ट है इसलिए देना पड़ता है। एसिडिटी की गोली जो है वो कोई इरेक्शन के लिए नहीं दी, फिर पैरासीटामॉल दिया तो वो क्यों दिया? क्यों? क्योंकि उसको हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, तो वो दर्द होना नहीं चाहिए, इसलिए पहले से अपन पैरासीटामॉल देते तो होगा नहीं। लोग बोलते भाई मेरे को तो बुखार की गोली डॉक्टर ने दिया, भाई वो प्रिवेंशन है, तो हम ऐसा प्रिवेंटिव भी देते हैं उसको, साइड इफेक्ट ना होना, उसकी भी दवाई देते तो फायदा होगा। ये जो लोग हैं ना, ये जिनको मतलब जिनकी एज 50-55 के ऊपर है,
जिनको डायबिटीज है, तो ऐसे लोगों में ये गोली उतना काम नहीं करेंगी, क्योंकि यदि आप सिल्डेनाफिल से मतलब वायग्रा से कंपेयर करते हैं तो ये गोली 19 भी है, वो 20 भी है, मतलब 19-20 का फर्क है। तो वृद्ध लोगों को हरदम सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा देना चाहिए, जिनको डायबिटीज है उनको वायग्रा देना चाहिए। हाँ, जिनको आँखों का प्रॉब्लम आया हुआ है, रेटिना पे प्रॉब्लम है, वो गोली लेने के बाद में साइड इफेक्ट्स आते हैं, या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो एक गोली से बच कर रहना चाहिए। इच्छा, रुचि और वो स्पेस होना जरूरी है। तो ये प्यार की गोली, आपको यदि समय नहीं है तो 30 मिनट में भी ये काम करती है, क्योंकि 80% लोगों को 30 मिनट में फ़ायदा होता है, तो इससे फास्ट और आपको क्या होना। और डेफिनेटली आप 2-3 बार कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो तमाम वो लोगों को शेयर करो जो रिसेंटली मैरिड है, जो हनीमून पर जा रहे हैं, जो लोग आईटी सेक्टर में दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, हार्डली रात को मुलाकात होती है, थके हुए आते हैं, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, तो वो लोगों के लिए है। या अभी तो इतना ओपन हो गया रिलेशनशिप में रहना, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उनको एक ही नाइट मिलती है, तो उसमें भी उनको एक्साइटमेंट लाना है, तो ये गोली काम करेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। आपका ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।